हेलो दोस्तों, मैंने अभी लेके आया Redmi Note 8। इसका मॉडल है यहाँ पे देख लो, Redmi Note 8। और ये फ़ोन बढ़िया है, चल रहा है, अभी बढ़िया चल रहा है। ठीक है, अब फ़ोन करो मतलब फ़ोन करने में कुछ दिक्कत नहीं होता है, सिर्फ वीडियो देखने से मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। ठीक है, चाहे इंटरनेट में वीडियो देखो या गैलरी में वीडियो देखो, ठीक है, बाकी मोबाइल में प्रॉब्लम नहीं है, नेट भी बढ़िया चल रहा है, टॉर्च भी काम कर रहा है। ठीक है, और कभी कभार कैमरा ऑन करने से भी मोबाइल स्विच ऑफ हो जा रहा है, इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है इसमें, मतलब ऑफ होके फिर से स्टार्ट होता है फ़ोन, मतलब रीस्टार्ट प्रॉब्लम। तो यहाँ पे देखो, अभी गूगल में मैंने सर्च किया बिग मोबाइल रिपेयर, तो यहाँ पे थोड़ा वीडियो देखेंगे, अगर कम साउंड में देखेगा तो ठीक है, चलता है, थोड़ा साउंड ज़्यादा करने से मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। ठीक है, इस तरह प्रॉब्लम हो रहा है इसमें। यहाँ पे देखो, अभी सेट तुरंत ऑफ हो जाएगा, यहाँ पे देखो, ये देखो ऑफ हो गया। ठीक है, अभी ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है इसमें। मॉडल Redmi Note 8। तो अगर आपका फ़ोन में भी इस तरह प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरा ये वीडियो देखने से आपका मोबाइल 1000% ठीक होगा, 1000%। बैक पैनल निकलने का बाद में मदरबोर्ड का ऊपर में जो टीना रहता है उसके चारों तरफ बहुत सारे स्क्रूब रहता है। ठीक है, ये सारे स्क्रूब को आप निकल दीजिए, उसके बाद ये टीना को बाहर निकालो। इसका जो प्रॉब्लम है, बैटरी का सर्किट में प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर आप चाहे तो बैटरी चेंज करके ठीक करा सकता है, अगर आप चाहे तो बैटरी को रिपेयर करके भी ठीक करा सकता है। तो बैटरी को कैसे रिपेयर करते हैं देख लो मेरा ये वीडियो में, आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ बैटरी का जो सर्किट है इस सर्किट को थोड़ा सा ही बाहर निकलना पड़ेगा। आप चाहे तो पूरा बैटरी को निकल के कर सकता है, नहीं तो इसी तरह कर सकता है। इसी तरह करने से आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। ठीक है, 2-4 मिनट में काम कंप्लीट हो जाएगा, बैटरी निकलने में बहुत टाइम लगता है। यहाँ पे देखो, एक ठो फ्यूज़ रहता है यहाँ पे, देखो आपने देखा होगा, इस फ्यूज़ को आयरन से निकल के डायरेक्ट शॉर्ट कर दो। ठीक है, आपका जो भी प्रॉब्लम है, ऑटोमेटिक रीस्टार्ट, वीडियो देखते देखते ऑटोमेटिक स्विच ऑफ, और इंटरनेट डाटा ऑन करने से ऑटोमेटिक स्विच ऑफ, कॉल करने से ऑटोमेटिक स्विच ऑफ, ठीक है, इस तरह का अगर प्रॉब्लम होता है तो सिर्फ आपको बैटरी का जो फ्यूज़ है इस फ्यूज़ को डायरेक्ट शॉर्ट करना है। ठीक है, और बैटरी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप लोग टेंशन मत करो, बैटरी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, 100% कुछ दिक्कत नहीं होगा, ना बैटरी में प्रॉब्लम होगा ना फ़ोन में प्रॉब्लम होगा, कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, आप लोग ट्राई करके देख लो। तो दोस्तों, मैंने फ्यूज़ को शॉर्ट कर दिया, अभी सेट को ऑन करके देखते हैं पहले इसका प्रॉब्लम क्या हो रहा था। जैसे मैंने वीडियो ऑन किया उस टाइम मोबाइल स्विच ऑफ, मतलब उस टाइम रीस्टार्ट, ठीक है, इस तरह प्रॉब्लम हो रहा था उसमें। तो अभी चेक करते देखते हैं, मैंने फ्यूज़ को शॉर्ट करके अभी चेक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, अभी कंप्लीट सेट ऑन हो गया, फिर से बिग मोबाइल रिपेयर में आया, कोई भी एक तो वीडियो चूज़ कर लेते हैं और अभी प्ले करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों देखो, यहाँ पे वीडियो प्ले हो गया, अभी तक सेट को ऑफ होना चाहिए था लेकिन ऑफ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यानी जो भी प्रॉब्लम था इस मोबाइल का अंदर में, मोबाइल स्विच ऑफ होना, रीस्टार्ट मारना, हर एक प्रॉब्लम ठीक हो गया। ठीक है, सिर्फ एक फ्यूज़ का वजह से इतना सारे प्रॉब्लम हो रहा था, तो हमने सिर्फ क्या किया, सिर्फ फ्यूज़ को निकल के डायरेक्ट शॉर्ट कर दिया और कुछ भी नहीं किया, आपने देखा होगा इस वीडियो में।
और बहुत सारे भाई कमेंट करके बोलते हैं भाई बैटरी जल्दी ख़राब हो जाएगा, बैटरी चार्ज नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करो मेरा चैनल को। थैंक यू।